एक मिनट काम चिल्लाओ। अरे महादेव, ये देखो हड्डियाँ पड़ी हैं इधर, ये स्कल पड़ा है। लोग गलत नहीं थे यहाँ के बारे में, सो बी अवेयर। जल्दी थक गया, पानी सिर्फ इतना ही बचा है। टिप नंबर वन, कभी किसी के मत सुनना जब भी यहाँ आ रहे हो। मैं जब आ रहा था तब मैं होटल से 2 बॉटल लेके आ रहा था, बट ये सर भैया 2 लीटर बॉटल ऊपर लाद के ले जाओगे, ऊपर तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मे बी होंगी, बट अभी तक जितना मैंने फॉरेस्ट का एरिया कवर करा है वहाँ मुझे कहीं भी स्ट्रीम्स नहीं दिखी। प्यास लग रही है, मुझे लगा था कि मैं एक बॉटल में हो जाएगा मेरा, बट अभी नहीं है, तो मैं जूस लेके आया था नीचे से, सो आई एम गोना ड्रिंक दैट। और टिप नंबर 2 यहाँ आने की ये है कि जैसे ही आप फॉरेस्ट में एंटर करते हो एक बड़ा पहाड़ पड़ता है, उसके बाद से रास्ता थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होने लग जाता है। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ एक टाइम पे आके, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल भटक चुका हूँ और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन जब भी आप आ रहे हो तो पूरा प्रॉपर रास्ते से ही आओ। मैं जब नीचे उतरा शॉर्टकट से, जब मैं नीचे उतरा वहाँ से, तब मैंने देखा कि वहाँ पर एक रास्ता आ रहा था, सो मैं चाहता हूँ आप लोग भी ना भटको। आप तब तक वादियों के नज़ारे देखो, तब तक नहीं तो अभी करीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक स्टिल रह रहा है। आई जस्ट पास्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड लुक व्हाट आई फाउंड, अ मेडो, अ चार्मिंग लश ब्यूटी। देख के इतना अच्छा लग रहा है यार, जंगल देख के ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, भले अभी पूरा हुआ नहीं है, एंड द टाइम इज 3:15 बचे हैं और शाम होने को है। Time to move on from this place. मजा आ गया यार, इतना ठंडा पानी था। Enjoyment तो इसे कहते हैं। ये लोग पीछे आराम से खाना बना रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, बैठे हैं वहीं। मेरे से लेट निकले थे। पहुंच भी गए आप? 10 बजे के चला हुआ हूँ यार। But still, they have arrived early, before than me. चलो अभी तो बहुत ऊपर जाना, बता रहे 6 घंटे का रास्ता है अभी भी ऊपर का। सो जैसे अपन मेडो क्रॉस करते हैं एक और जंगल मिल जाता है जिससे आपको एंटर करना पड़ेगा, बट दोज गाइज हुम आई मेट इन मेडो दे वर लाइक कि सर जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना उस हिसाब से आप 6 घंटे में और पहुँचोगे। मैं तो ये अपन के पास एक डेर वाला काम हो गया है, जल्दी पहुँचना है ऊपर, उनसे तो जल्दी पहुँचना है। तो अभी 3:30 बज रहा है
और अभी हम जामनाला में एक और फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। अभी फॉरेस्ट तो पीछे ही नहीं छूट रहे, बट ठीक है, यही तो करने आए थे यहाँ पर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं बादल आते जा रहे हैं, अभी बिल्कुल धूप का नाम निशान नहीं है जंगल में, ठंड बहुत होने वाली है, बट स्टिल मैं एक स्वेटर लेके आया हूँ। तो आई रिकमेंड यू गाइज टू ब्रिंग सम स्वेटर्स और सम वार्म क्लोथ्स विच इज़ गोइंग टू कीप यू वार्म फ्रॉम सच रेयर कंडीशंस। हम लोग इतना यूज तो नहीं होते इन कंडीशंस के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी हर एक पास यहाँ अलग ही है, कुछ ऐसे ही जंगल थे खीर गंगा के भी, बट स्टिल एवरी प्लेस हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। वहाँ की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, क्लाइम थोड़ा सा स्टीप हो जाता है आखिरी में जाके उधर भी, बट जब इंसान ऊपर पहुँचता है और गर्म पानी में नहाता है, जो भी कह लो स्पिरिचुअलिटी कह लो उस वाटर में या कुछ भी कह लो, सारा दर्द चला गया था। खीर गंगा जाने की एक खराबी है, वहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है। अभी खैर यहाँ तो जितना मैं चला हूँ 10-12 किलोमीटर रास्ता एकदम ठीक है, कुछ जगह पे रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अभी हम नगाली पहुंच चुके हैं। एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस प्लेस, ये नगाली नहीं, ये तीसरी है, और फिर तो हम सही टाइम पे चल रहे हैं। अभी 5 बजे है, यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक बचता है अभी। लेट्स फाइंड आउट कि जा भी पाते हैं। ये एक ढाबा है वेयर यू कैन हैव सम स्नैक्स। जा रही है, मैंने अभी शर्ट डाल लिया ऊपर। एक्चुअली पहले लोगों ने बैकआउट कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, बिकॉज टाइम अभी 5:15 हो रहा है, 5:20 हो रहा है, बट मैंने इनको बोला कि भैया अभी हम लोग कल चढ़ेंगे 6 किलोमीटर, तो कल और टायरिंग होगा, फिर उतरना भी है, तो शाम हो सकती है, तो क्यों ना अभी चलें। बट उन्हें सही नहीं लग रहा था ये, तो उन्होंने कहा कि भैया आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। दे वर 5 एक्चुअली, बट 2 ऑफ देम आर कमिंग, आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। आगे बर्फ मिलना स्टार्ट हो गई है, वही बता रहे थे। अरे भगवान, भगवान भी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। अभी ऊपर जाना कैंसिल हो गया, सब लोग यहीं टेंट लगा के यहीं बैठे हैं, बारिश के पूरे आसार हैं, बाकी पानी उधर है तो सब यहीं रुक रहे हैं, बाकी प्लेन ग्राउंड है इधर। अभी करीबन 6 बजे है और व्यू इतना प्यारा है यहाँ का, ये लोग भी टेंट लगा रहे हैं।
बारिश नहीं हो रही बट ओले गिरना स्टार्ट हो गए हैं और टेंट लग गया है। अच्छा यार ऊपर नहीं गए प्रॉपर बर्फ गिर रही है टोटल। अभी मैं ऊपर जाने की सोच रहा था बट स्टिल नहीं गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गर्मी में स्नोफॉल भी देख लिया। इनके स्टैंड बनना नहीं आता तो सीख लो। बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई। टेंट लगा दिया टाइम पर। कितना कहर बरस रहा है, ऐसा लग रहा है सारे के सारे काले बादल उधर ही बरस रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं अभी। इधर चूड़दार, इधर हम और इधर हमारे। सारा काम भैया ने किया है, बाकी सब किसी ने कुछ नहीं किया। जुकाम लग चुका है मुझे और मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। वहाँ पर पहाड़ों में 6:30 बजे कभी धूप देखी है? मैं दिखाता हूँ। मौसम एकदम भयंकर वाला साफ हो गया है। इतनी ठंड में ऐसी धूप, जाने का मन तो ऊपर है बट यहीं तक रखेंगे। बिलों के बारे में क्या ही बताऊं, ये वही बंदे हैं जिन्होंने मुझे पहले बोला था बट स्टिल बहुत ही अच्छे लोग हैं। और यार कोई रहने की जगह ऑफर कर दे और क्या चाहिए। अपन को वहाँ जाना था ऊपर जो कि पॉसिबल नहीं था। आई वॉज लाइक कि चल लेते हैं ऊपर, कम से कम कुछ टाइम तक तो पहुँच ही जाएंगे। बट बारिश आ रही थी, ओले भी गिर गए बट स्टिल वी आर सेफ। और अभी कुछ नहीं हो रहा, धूप निकल आई है उधर। एक इंसान को पहाड़ों से जो भी एक्सपेक्ट होता है सब देख लिया यहाँ पर। फैन तीसरी का ही कुछ एरिया है जहाँ हम लोग रुके हैं, सब देख लिया। अगर शायद हम लोग यहाँ रुकते नहीं तो बहुत कुछ मिस कर देते। I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Show them. Yeah. Change the station with a new shit.
सबसे बड़ी बात है यहाँ तक सिग्नल आ रहा है। निकी भाई बात कर रहे अपने घर पे अपने दोस्त से। ओए हेलो। हर जगह सिग्नल आता नहीं है। जब मैं खीर गंगा गया था तब बिल्कुल सिग्नल नहीं था, बट यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है एटलीस्ट सिग्नल मिल रहा है, कोई हादसा हो जाए तो काम आ सकता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy. अभी नेगी भाई ऊपर से आ रहे नीचे। किनौरी है ना तो आदत है, बट स्टिल यार स्लोप बहुत ज्यादा बड़ा है। वो कहते हैं ना, ढलता हुआ सूरज और उसकी रोशनी पहाड़ों पर एक अलग सी फीलिंग छोड़ जाती है। पूरा का पूरा पानी मेल्ट हो रही है, जो बर्फ वो यहाँ से गिर रहा है, तो पानी की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। अब खाने का देखते हैं। टाइम टू एंड दिस ब्लॉग राइट हियर एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अब कल की कहानी सीधा चूड़धार जाएंगे। वो ब्लॉग शायद थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, बट ये ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग दिस राइट हियर। So, thank you for watching this vlog. Thank you. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker.